यूपी बोर्ड क्लास 9th में करने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्यखंड का छठा पाठ पुनर्मिलन, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। और ये पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही इस पाठ के 5 पार्ट में बना चुका हूँ और ये छठा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं छठे छंद से। छंद से पहले एक बार देख लेते हैं पाठ का संदर्भ। संदर्भ में देखिए आपको क्या लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड से या काव्यखंड में संकलित पुनर्मिलन कविता से लिया गया है और यह कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। तो देखिए कामायनी महाकाव्य है और महाकाव्य से इसमें एक निर्वेद सर्ग है, निर्वेद सर्ग से लिया गया है, सर्ग से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें जितने भी छंद हैं पुनर्मिलन में ये सभी निर्वेद सर्ग से लिया गया है। तो ये कोई भी छंद आ जाए तो आपको ये लिखना होगा कि कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। ठीक है, अब इसके आगे प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में ईड़ा विरह व्याकुल श्रद्धा को सांत्वना देती है और रात में अपने पास रुकने का आह्वान करती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें, श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं, चली इड़ा के साथ जहां पर वन्हीं शिखा प्रज्वलित रही। अब देखिए व्याख्या। व्याख्या तो व्याख्या में ईड़ा श्रद्धा को सांत्वना देती हुई कहती है कि जीवन की लंबी यात्रा में कुछ साथी हमसे छूट जाते हैं, खोए भी हैं। खोने का मतलब है कि वो छूट जाते हैं और मिल जाते हैं, और ढूंढने पर वह हमें पुनः मिल भी जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है, अर्थात जीवन में इसी प्रकार मिलने और बिछड़ने का क्रम सदा चलता आया है। तो यदि जीवन शेष है तो मिलन भी अवश्य होगा। कट जाती दुख की रातें, अर्थात धीरे धीरे दुख का समय भी स्वयं ही बीत जाएगा। दुख की रातें अर्थात दुख का समय वो अपने आप ही मिट जाता है। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था। अब प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा की बातों से श्रद्धा को तो सांत्वना मिलती है, श्रद्धा रुक जाती है अर्थात उसे सांत्वना मिलती है, लेकिन कुमार श्रांत था, श्रांत था अर्थात थका हुआ था। तो श्रद्धा को सांत्वना मिलती है लेकिन जो उसका पुत्र था वो बहुत थक गया था, श्रांत था अर्थात थक गया था, मिलता है विश्राम यही। तो उसने सोचा कि थोड़ा विश्राम यहीं कर लेना चाहिए, इसलिए चली इड़ा के साथ जहां पर, इसलिए वह इड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल दी जहां पर वन्हीं शिखा प्रज्वलित रही, अर्थात जहां पर वन्हीं शिखा अर्थात आग की लपटें प्रज्वलित रही, अर्थात जल रही थी, उठ रही थी, आग की शिखा, आग की लपटें उठ रही थी या आग जल रही थी। ठीक है, तो ये थी व्याख्या। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य तो फर्स्ट पॉइंट है भाषा। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है इसमें, साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है। दूसरा पॉइंट है गुण।
गुण इसमें प्रसाद गुण है, और तीसरा है छंद, छंद इसमें मात्रिक छंद है। तो देखिए ये जो तीन पॉइंट है ये सेम रहेंगे इनके सभी छंदों में, ठीक है। तो पुनर्मिलन के जितने भी छंद है, 10 छंद है, तो 10ों छंद में यही तीन आपको सेम रहेंगे और आपको यही लिखने हैं, भाषा साहित्य खड़ी बोली, गुण प्रसाद और छंद मात्रिक। चौथा पॉइंट है रस, ये चेंज होते हैं। तो रस देखिए बिल्कुल शांत है, तो यहां पर करुण रस है, करुण और शांत रस है, शांत रस है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है अलंकार, अलंकार इसमें देखिए वन ही शिखा, इसमें उपमेय और उपमान की एक रूपता व्यक्त होने के कारण यहां पर रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। तो ठीक है, पांच चीजें हो गई, भाषा, गुण, छंद, रस और अलंकार। तो इसी के साथ ही ये छठा पार्ट मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हर छंद के लिए एक एक पार्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए एक छंद के लिए एक पार्ट, हो सकता है आपको ढूंढने में परेशानी हो, लेकिन आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप बाकी सारे पार्ट आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।